अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी दोस्तों की फरमाइश है कि साढ़े को अजकल सोलर पखे नालों कंप्यूटर सप्लाई लगती है, दूसरे चार्जर लगते हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो अक्सर खराब होने साढ़ा नहीं, ठीक है जी, पायदार नहीं है। मैं थोड़ा सामने जितने भी हूँ तक सोलर चार्जर या कंप्यूटर चार्जर या कंप्यूटर सप्लाई उन्होंने सारे का मैं थोन दसदा भी इन्होंने के सिस्टम है, ठीक है जी, और किस तरह यह काम करता है। तुम देख रहे हो यह 10 एम्पीयर का चार्जर, ठीक है जी, स्मार्ट बैटरी चार्जर है, ठीक है जी, 10 एम्पीयर का। ये खराब हो जाए तो इसकी रिपेयरिंग बड़ी मुश्किल है, और हूँ ये तकरीबन आ भी 2 नंबर आ, सही है जी। उस तो बाद इस तो ये 10 एम्पीयर का, इस तो बाद है जी 20 एम्पीयर का, ठीक हो गई। यह वेखो जी, यह 20 एम्पीयर चार्जर है, वेख लो यह चार्जर 20 एम्पीयर का, इस तरह वेख्या चार्जर है, सही है जी, यह 20 एम्पीयर चार्जर है, नज़र आ रहा था। यह जी डायरेक्ट आउटपुट है, यह वेख्या यह रेगुलेटर है, जितने वोल्ट चाहिए उसके हिसाब से, और यह दो क्यों कह लो टर्मीनल का कोई भी, ये बैटरी चार्जिंग इस्तेमाल कर सकते, ठीक हो जी। इस तो बाद फिर आ गई अगर नंबर आ गया 3 एम्पीयर का, तुम कह के तरतीब बना दी, यह वेखो जी, यह 3 एम्पीयर चार्जर है, ठीक है जी। इसकी भी सेम पोजिशन यही है कि अगर ये खराब हो तो फिर ठीक नहीं होगा। उस तो बाद हूँ आ गए जी जुगाड़ चार्जर, हूँ सू वे जुगाड़ चार्जर, यह वेखो चिके सा मतलब आवाम बेवकूफ बना रहे, दुख दे रहे हैं। यह चार्जर वेख लियो, ये छोटे जे बाहर आने का डप्पर लैके उस जुगाड़ ला के उस रेगुलेटर ला के थोड़ी जी करंट बधा के, तो ये लोगों बेवकूफ बना के डब्बी वड्डी ला के, वड्डी डब्बी लाई है, ये कंप्यूटर फैन ला दिता, है सारा छोटा जहा नज़र आ रहा, छोटा जहा डप्पर का, सही हो गया जी। हम आ गए जी अगे इस तो अगे फिर आ जाओ जी, तुम यह आ गए जी यह कंप्यूटर पावर सप्लाई है, सही जी। इसका क्या होता किसी भी स्विचिंग करा के तो ये इस्तेमाल की जाए, इस भी तुम हालात में देख सकते हो, यह तो पंखा एग्जॉस्ट फैन, सही जी। उस तो बाद एक कंप्यूटर सप्लाई आ गई है, वैसे ठीक है जी। उस तो बाद फिर आ जाओ जी अगर आ जाओ, सन मैं सारी चीज़ें दिखाना, तुम गौर वेख वीडियो, एक यह आ गई जी, यह भी कंप्यूटर सप्लाई है, सही हो गए जी। हाँ तुम आ जाओ जी अगे, फिर और चीज़ दिखाने एक जबरदस्त, यह एक इंपोर्टेंट लैपटॉप का ये अडाप्टर है, चार्जर है, ठीक है जी। ये जरा कोई अच्छी कैटेगरी का बनया और ये अच्छा सही हो गए, तुम उन्हें सुन भी वेखो, और ये भी जबरदस्त है, यदि पावर सप्लाई है, कंप्यूटर वाले क्रिप लगती है, और यह आउटपुट लीड है, सही हो गए जी। यह भी वेखो जी, एक और यह वेखो, इस भी उन्होंने कूलर की तस्वीर ला दी है, और यह चार्जर है छोटा जहा है, और एक और इन्हें जुलम यह है कि इस ये चार्जर जो कैपेसिटर लगे होंगे ये टोटल 250 वोल्ट के होंगे, हालांकि साढ़े को 220 वोल्ट बिजली है, 400 वोल्ट का घट तो घट होना चाहिए, सही हो गया जी। हूँ जी असल और पायदार चीज़ है, ठीक है जी, वो उसकी वीडियो मैं अलग बनाई है, तो वह मैं थानू जिसल वीडियो मतलब एडिट कर सा उस मैं सारी तफसील सू दिखा सी, वो चीज़ पायदार है, जबरदस्त है। सामने एक और भी कंप्यूटर सप्लाई में खाना अभी वेखियो, यह कंप्यूटर सप्लाई सही हो गया जी। तुम अगर वेख अच्छा सन गल करने का मकसद यह है कि सन चीज़ समझा, इतनी सप्लाइया वेखाने का मकसद भी है, सप्लाइया सारिया अपनी जगह ठीक है, कोई इन्हें टेंशन परेशानी नहीं है। नुक्स किस बनता वो सू वेखाने, नुक्स उस बनता जिसल असी वेख रहे हो यह रजिस्टर्स है, असी जिसल इसकी लिमिट तो मतलब करंट वधाने की कोशिश करते हैं, अगर यदि 12 वोल्ट है तो अभी 12 जल्द 14 या 18 वोल्ट वधाने की कोशिश करते हैं, उस वक्त ओवरलोड होकर खराब हो जाती है। यह वेखना मैं तुम खोल के दिखाना ये मसला मसायल हैं, और क्यों नहीं जल्दी खराब हो, क्यों जल्दी खराब होंगे, सही हो गया जी। वेख रहा इसी भी रेजिस्टेंस लगी है, उस तो बाद छोटी रेजिस्टेंस लगी है, वेखो यह छोटी छोटी नज़र आ रही हैं, यह छोटी डिस्टेंस लगी है, वड्डी लगी है, यह मतलब इसमें ओवर किया वोल्टेज बधाया होना, उसके बढ़ने की वजह तो इसकी वो अपनी कैपेसिटी खराब हो जाती है,
जिहदी वजह से यह बार बार खराब होती। अच्छा यह चार्जर जिहड़े ने इन्हां दे खराब होने की वजह यह है कि असी लोग इसनों जरूर तो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसकी प्रोटेक्शन असी खत्म कर देते हैं। प्रोटेक्शन तो मुराद यह है कि इसका अगर कोई डिस्टर्बेंस होगा कोई परेशानी होगा ये बगैर बैटरी तो नहीं चलते, बैटरी ने तो अटैच करने तो चलना। तो असं क्या करने समय चो डायरेक्ट करा लें उसकी वजह से इस फिर वो सेफ्टी खत्म हो जाती है और जल्दी सड़ आने। हूँ जी दूसरी मतलब है वो है ओरिजिनल जी लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ है वो तो बारे मालूम देने वो है अडैप्टर ट्रांसफार्मर। ठीक है जी, कोई भी ट्रांसफार्मर जो ना जी मतलब है जो बाइंडिंग वाला वो तुम आप बनाओ किसी को तैयार कराया वो जबरदस्त चीज़ है। वो मैं एक वीडियो बनाई है अगर सू इस वीडियो में ही मतलब है मजीद तफसील दिखाना वीडियो वेखो इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगती और चैनल अच्छा लगे वीडियो अच्छी लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करो लाइक करो डिसलाइक करो। मजीद तुम वेख लो मैंने अपनी जाति वर्कशॉप है वेख लो जिधर भी तुम वेख सो सारा इलेक्ट्रॉनिक समान पाया ये कोई मतलब है कोई फेक वीडियो नहीं है ओरिजिनल वीडियो है। ठीक हो गया जी, हूँ मैं सू ओरिजिनल वीडियो पास लैके चलदा तो सारे दोस्तों गुजारिश कि वीडियो जरूर सब्सक्राइब करनी लाइक करनी डिसलाइक करनी कमेंट जरूर करना इंशाल्लाह मैं थोड़ा वीडियो अल पास लैके चलना। ये दोस्तों यह वीडियो है सॉरी वीडियो का ना है यह ट्रांसफार्मर है 12 वोल्ट 14 और 16 सही हो गया जी। जिथे बिजली घट है तुम उसे 14 और 16 इस्तेमाल कर सकते हो। यह ट्रांसफार्मर बहुत अच्छा और मेरे अंदाजे घट तो घट 30-35 साल पुराना चलिया सही हो गया जी। वेखो कपरेज बाइंडिंग है बहुत जबरदस्त वाजे और साफ किस्म की बाइंडिंग है। इसकी मेन पावर इधर हो रही है यह दो लीडा अगर बाहर ब्रिज बना के 4 डायोड और एक कैपेसिटर 5 वोल्ट ला के ब्रिज बनाई गई सही है जी। तुम अगो ये हूँ करंट चेक करो कितनी जबरदस्त करंट है करंट चेक करा असल दूसरे हाथ कैमरा है एक हाथ एक हाथ चेक करा रहे इस वास्ते थोड़ी जी वीडियो भी जरा अनबैलेंसिंग हुई है। वैसे मकसद यह है कि तुम चीज़ वेखो सही जी करंट वे कितना जबरदस्त स्पार्क और बहुत अच्छी तरीके जरा वो चलाना थोड़े एयर कूलर बैटरी चार्ज जबरदस्त करता यह नाप है यह आप हो गया सही हो गया जी। पहला स्टेप 12 14 और 16 दो स्टेप 2 वोल्ट स्टेप है इसका बहुत जबरदस्त गल थोड़ी डिस खराब हो जाती वही तो बस तुम देख रहे हो जबरदस्त किस्म और लाइफ टाइम चलने वाला। यदि आउटपुट है रेगुलेटर ना लगे पॉइंट तो फिर तुम चेक करें 12 14 और 16 ऑफ यानी दोस्तों कवर चाड़ के असी इसमें मुकम्मल तौर पर बंद कर दें कवर बड़ा जबरदस्त किस्म बनया और लाइफ टाइम चलने की चीज़ है जबरदस्त पायदार चीज़ है। वीडियो अच्छी लगे चैनल जरूर सब्सक्राइब करो लाइक करो डिसलाइक करो कमेंट्स करो। करीब 12 14 सवाल वेखो इंडिकेटर कितनी जबरदस्त इंडिकेशन दे रहा है जी। आज थोड़ा सामने ये वीडियो आ गई नकली चार्जर तो बचो असली चार्जर बनायो
और सारी ज़िंदगी फ़ायदा उठाए। अल्लाह हाफिज़।